अमेजिंग फ्लेवर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की सब्जी। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 प्याज कटे हुए, उसके अलावा हमें चाहिए होगी 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, उसके अलावा हमें चाहिए होंगे 2 टेबलस्पून ऑयल सब्जी को तलने के लिए, उसके अलावा हमें चाहिए होगी थोड़ी सी भिंडी जो कि बारीक कटी होगी इस तरीके से, और मसालों में हमें चाहिए होंगे बहुत ही कम, बस थोड़ा सा साबुत जीरा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगी हमारी ये सिंपल सी और इजी सी रेसिपी। आज इसलिए हम सबसे पहले अपनी कढ़ाई में तेल को गरम कर लेंगे, जो 2 बड़ा चम्मच तेल हमने लिया था, और तेल को हम गरम होने देंगे अच्छी तरीके से। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा तेल गरम हो चुका है, तो हम इसमें अपना साबुत जीरा डाल देंगे। जीरा डालते ही गरम तेल है इसलिए वो स्प्लैटर करने लगेगा। अब हम इसमें अपने कटे हुए प्याज भी डाल देंगे। ज्यादा जलाना नहीं है या ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस उन्हें पिंक और सॉफ्ट होने तक हमें पकाना है। थोड़ा सा चलाते रहें। इसके बाद चलाने के बाद इस प्याज को ये कुछ ऐसा पिंक और सॉफ्ट सा दिखेगा। अब फ्रेंड्स, इसमें हम डाल देंगे अपनी बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें हमारी बारीक कटी हुई भिंडी, और अब हम इसे फिर से मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब फ्रेंड्स, इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें डाल देंगे अपनी आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। और फ्रेंड्स, याद रहे गैस की आंच को धीमा कर ले, नहीं तो ये भिंडी जल सकती है। हम इसे अच्छे से चला देंगे, मिक्स कर देंगे सारे मसालों को भिंडी के साथ और प्याज के साथ, और फिर इसे हम ढक देंगे अराउंड 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर। फ्रेंड्स, 5 मिनट बाद जब हमने इसे खोला है तो देखिए ये भिंडी हमारी पक चुकी है। अब हम चाहें तो इसे फिर से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम फिर से इसे 1 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, 1 मिनट बाद हमारी भिंडी की सब्जी बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी है, तो आइए इसे सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी ये अमेजिंग सी और सिंपल सी भिंडी की सब्जी अब तैयार हो चुकी है, जिसे आप रोटी के साथ या राइस के साथ जैसे भी सर्व कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। होप कि आपने हमारा ये वीडियो इंजॉय किया होगा, तो कृपा करके सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और फिर मिलेंगे हम किसी और अमेजिंग सी रेसिपी के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू।